नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बजमिया के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। तो आज हम फिर से जा रहे हैं वही बोरिंग की दुनिया में, बोले तो न्यूटन विरोधक तहखाने में। पहले ऊपर लौंडे देखो भाई साहब, इनको इतना मार देता ना, इतने में मेरी 10-15 की केडी मेंटेन हो जाती। लेकिन क्या बता यार, किली नहीं ऐड होता। खैर यार, जब ऐड होने लगता है तो मैं मार भी नहीं पाता। कुल मिला के दिखावे का क्रांतिकारी हूँ। फिलहाल यार हम लैंड करने वाले हैं और यार आज हम खेल रहे हैं डुओ वर्सेज स्क्वाड। वैसे तो आप लोगों ने मेरे को अक्सर देखा होगा सोलो वर्सेज स्क्वाड मैच में, और उधर ही मैं मैक्सिमम क्लच करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं क्लच नहीं करता, तो भाई साहब एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच भी नहीं खेलता। हमने इस बार लगाया डुओ, हम का यार एक लौंडे के चल के और भला कर देते हैं। सामने पता नहीं किसका लौंडा आ गया है, बे कूद गया साला, भाग गया भाई, इसीलिए तुम्हारा भाई यहाँ पर नहीं आता। लेकिन यार क्या बताए, बजमियाए वाले तुम्हारे भाई की कमजोरी पकड़ ली है, लूट बहुत ज्यादा देते हैं ना यहाँ पर, इमोशनल गेम प्ले कर देते हैं भाई, इमोशनल टाइम। अभी यार देखो मुझे लूटने के लिए कितना ज्यादा पापड़ बेलना पड़ रहा है, और हमारे दो नंबर टीममेट के जान के लाले पड़े हैं। अले ले ले स्कारल पड़ी है भाई सामने। देखो जो स्कारल होती है वो होती है बुर्ज खलीफा, लेकिन जो भाई साहब M4 होती है ना वो माधुरी दीक्षित होती है, माधुरी दीक्षित। गाइज आप लोग के एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आपको पता है ये जो माधुरी मैम है ये M के बिना अधूरी है। नासा वाले बहुत खतरनाक है, उन्होंने मेरे को बताया। लेकिन तुम्हारा भाई भी बहुत खतरनाक है, अब मैं जा रहा हूँ लूटने। देखो यार सारे के सारे लौंडे साले ऊपर फट ले, तीन फर्स्ट एड भाई, ये कहीं उड़ने का संकेत तो नहीं दे रहा भाई। लग तो रहा यार तुम्हारा भाई का, क्यों कह रहे, अरे लौंडा आ गया, अरे उड़ा देगा, उड़ा दीस भाई उड़ा दीस, अरे मार, अरे दो नंबर मार मार मार, अरे मेरे को मार, अरे बक लौंडी के इधर मार बे मार, जल्दी लौंडा पेल रहा हमको भाई। भाई बच गया भाई, बच गया यार, ये संकेत तो सही साबित हो रहा है भाई साहब, तीन फर्स्ट एड मिले थे मतलब तीन बार उड़ेंगे। अरे दो नंबर कुड़ा दिया भाई, भाई भाई ये साली हमारी स्क्वाड तराजू की तरह हो गई भाई, कहीं उसका पलड़ा भारी हो रहा है, कहीं हमारा भाई साहब सामने एक और लौंडा दिख गया, अरे फिर उड़ा दिस भाई साला। इस बार तो कोई ऑप्शन भी नहीं भाई, कुछ भी कहो संकेत एकदम परफेक्ट था। साला कितना स्ट्रगल करके मैंने लूटा भाई, आप लोगों ने देखा होगा यार किस तरह मैंने रगड़ रगड़ के लूटा है। देख देख दोनों बैल की तरह साले लूटने पहुंच गए भाई। तो भाई साहब हमने एक बार फिर से लूटपाट कर लिया है, और हमको एक बोट मिला था उसको भी चाप दिया भाई, और अब हमारा भाई जा रहा है रस करने। देखो यार पोचिचनकी पे लौंडे मिले नहीं तो अब हम जा रहे अटारपेंट पे, क्योंकि यार हमको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि अटारपेंट पे लौंडे जरूर मिलेंगे भाई साहब। वो अटारपेंट नहीं, वहां पर भंडारा लगता है, भंडारा। तो यार हम आ गए हैं भाई साहब, यहाँ पर बग्गी लगी है, अरे पुलिस वाली गाड़ी भी लगी है, मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा सुरक्षा बल भी तैनात है। रुको रुको पहले चेक करते हैं लौंडे है कि नहीं है। देखो यार गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ, सामने दो स्क्वाड की आपस में फाइट चल रही है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मतलब पर्सनल मैटर है, और भाई साहब उस मैटर में पुलिस वाले भी हैं। तो एक ज्ञान की बात, किसी के पर्सनल मैटर में हमको दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर जब उस मैटर में पुलिस वाले भी हो। और इसीलिए तुम्हारा भाई पुलिस वगैरह की तैयारी नहीं करता, क्योंकि भाई साहब इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं। भाई साहब कहीं ये कहकर न डाल दे कि मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर आ गया, साला पुलिस बनने आ गया, समझ रहे हो ना, पढ़ाई में ही मन नहीं लगता। देख रहे हो हमारा टीममेट भाग रहा है, तो हमको भी यहाँ से भागना चाहिए। इंस्पायर्ड फ्रॉम वो जो लौंडा भी यहाँ से बग्गी लेके भाग गया, अब देखो यार पीछे से लौंडे फायर करने लग गए। अब देखो यार तुम्हारे भाई का मनोबल बढ़ गया रस करने का, क्योंकि भाई साहब वहां पर जो दो स्क्वाड लड़ रही थी उसमें तो एक तो निपट गई होगी, और दूसरी भाई साहब अधमरी हो गई होगी। अधमरी का मतलब भाई साहब उसमें का एक लौंडा पूरा बबरा गया होगा, और उन तीनों को तुम्हारा भाई आराम से हैंडल कर लेगा। देखो ये सारी चीजें तुम्हारे भाई के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन भाई साहब रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में भाई साहब तुम्हारा भाई 4-5 स्क्वाड मार सकता है। देखो ये बात अभी मैं छुपा रहा था, क्योंकि लोग हैकर बोल के हैकरों की आईडी बैन करा देते हैं। देख रहे हो तुम्हारे भाई का IQ किसी से बताना नहीं। अब यार देखो वो तीनों लौंडे भाई साहब मेन बिल्डिंग में है, और वो लोग भाई साहब हमको दो लौंडे समझ के रस कर देंगे, और तुम्हारा भाई आराम से 1v4 क्लच कर देगा। हंसो नहीं भाई, हंसो नहीं, ये मेरा फ्यूचर प्लान है भाई। क्या मैं इधर मजाक, मतलब ये मजाक चल रहा है क्या इधर? बे भाई यार प्लान के अकॉर्डिंग तो लौंडे आ ही नहीं रहे भाई, नीचे गाड़ी आ गई, ये क्या हो रहा है भाई, स्क्रिप्ट नहीं समझाओ क्या बे? अबे यार हमारे प्लान में बगल वालों को मारने का था बे, ये कौन आ गए बे बीच में? बैठो यार इधर दो नंबर आराम से, और बताओ क्या हाल चाल है, आप लोग भी बताओ भाई साहब कैसे हैं। देखो यार जब प्लान हमारे अकॉर्डिंग काम न करे तो भाई साहब इस तरह के मास्टर स्ट्रोक खेला जाता है। नोट कर लो भाई साहब ये बात, उभरते हुआ चाणक्य कह रहा है, ठीक है? सारे भाभी आइटम रही है। और विक्टर तो साला प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है भाई। खैर छोड़ो यार, इनकी लव स्टोरी अलग ही दुनिया में है, हर लौंडा साला अलग अलग स्टोरी बना रहा है, इनकी राजीनामा की जरूरत है ही नहीं। खैर छोड़ो यार, आज गेम में कुछ नया हो रहा है भाई। देखो लौंडो को फुटस्टेप सुन के तुम्हारे भाई की फटी जा रही है, लेकिन भाई साहब हमारे फुटस्टेप ना सुन के लौंडो की फटी जा रही है। न जाने कहां कैंप किए, देख रहे हो गाड़ी लेके निकल लिए भाई, अबे हमारी गाड़ी लेके निकल लिया भाई, डासिया लेके भाग गया भाई। रुक जा रुक जा, रुका रुका रुका, अबे यार नॉक होते होते बच गया भाई। अब यार देखो सामने वाले घर में भी लौंडे पहुंच गए, बगल वाले घर में भी लौंडे हैं। अगर मान लो भाई दोनों ने गठबंधन किया आपस में तो जेवल तो गयो, इसलिए भाई साहब हमको कुछ अलग हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। देखो यार अब हमको यहाँ से थोड़ा भागना होगा, लेकिन भाई थोड़ा दिमाग लगा के भागना होगा, नहीं तो लौंडे गिरा देंगे। तो दो नंबर तुम भी मेरी तरह तैयार हो जाओ, जैसे 1 2 3 बोलू तुरंत गाड़ी पे कूद जाना, ठीक है? 1 2 3 कूद कूद। अबे भाई, अरे हेलो 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 भाई भाई भाई, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे रे, अरे भाई
सारा भाभी बची है गई। अबे भाई लौंडिया को छोड़ दिया भाई, साला कुछ भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा यार आजकल। ये लो भाई इनको अलग ही मतलब अपने हथकंडे अपनाने हैं। गाड़ी अगर फूटेगी तो सीधा पेटी दिखेगी। पहले हीलिंग कर ले भाई। अबे भाई यार हीलिंग किया है, अमृत नहीं पिया जो ऐसे जा रहे रस करने। भाई ये अमर नहीं चूती है भाई, इसको छोड़ो। रेन पता नहीं किसके कहने पे जा रहा था रस करने। आजकल ऐसे ऐसे लोग है ना, किसी भी चूतिया जैसे टीममेट की बात मान लेते हैं। तो यार तुम्हारे भाई ने दूसरा मैच लगा दिया है और भाई साहब इस बार हम प्लान बनाए भाई साहब जजरो पुल जाने का। भाई साहब इस बार कुछ भी हो जाए प्लान तो फेल नहीं होने दूंगा भाई साहब, जान लगा दूंगा अपने टीममेट की। खुद फेल हो जाऊंगा लेकिन भाई साहब प्लान नहीं फेल होने दूंगा। ये भाई साहब प्लान सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो भाई साहब चलिए धंधा शुरू करते हैं। यार एक लौंडा हमारे टीममेट के पास से भाई साहब पेल दीस हॉट 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 भाई साहब, उसको बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब उस बसोड़ी वाला पूरा पेल दिस भाई। भाई यार तुमने हमारे टीममेट के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, तुमने मुझसे दुश्मनी लेके गलती कर दी। मार सारे को मार पेल भाई। अरे हमारे दो और तीन नंबर दोनों टीममेट बटूर गए भाई। अब भाई साहब हमारे चार नंबर टीममेट के पास लौंडे हैं पेल दिस, फिर से पेल दिस भाई, पूरी हमारी स्क्वाड खा गया। साला कौन है बे, साला दिमाग की तरह हमारी स्क्वाड खा जा रहा भाई अंदर अंदर। देखो यार लौंडा जस्ट हमारे सामने है ठीक है, अब लड़ाई होगी आर पार की। अगर भाई साहब उसने रस किया या तो वो मारेगा या तो मैं मरूंगा, इसलिए हम चलते रस करने। देखा भाई तुम्हारे भाई को आंकड़ा हो जाता है कौन लौंडा क्या उखाड़ सकता है हमारा। अभी यार देखो इस लौंडे का टीममेट भी आया भाई, उसका फुटस्टेप आ रहा था हमको इधर से। अरे अभी भी आ रहा भाई, इधर है लगता है कस्बे। अबे अबे इतना डैमेज साले धोखे से दिया या सही में मारा भाई। देखो भाई साहब यहाँ पर मैं था इसलिए सरवाइव कर गया, अगर आप में से कोई होता तो भाई साहब लॉबी चले जाते। अभी यार देखो तुम्हारा भाई एक्साइटमेंट के मारे जा रहा है रिकॉल करने, ऐसा आप लोग को लगता है। भाई साहब रिकॉल वाला लगाया नहीं तुम्हारे भाई ने। देखो यार तुम्हारा भाई दिल का बुरा इंसान नहीं है यार। हाँ थोड़ा उल्टी खोपड़ी कहूँ। देखो यार हमारे इधर तीन टीममेट बहुत बुरी दशा से गुजर रहे हैं और उधर तीन बॉलीवुड वाले बहुत बुरी दशा से गुजर रहे हैं। तीन तीन हीरो मिलके एक विमल नहीं बेच पा रहे भाई। खैर यार अभी हम आ जाते रजहोक। भाई साहब यहाँ पर देखते थे लौंडा एक नहीं भाई साहब पूरी स्क्वाड होती है, लेकिन हमको सबको सीरियस नहीं लेना भाई साहब। इसमें से तीन चूतिया होंगे जैसे मेरे में थे और एक अखंड नूब संघ का अध्यक्ष। देखो यार सामने से एक गाड़ी भी आ जा रही है, साले को उतार दे क्या। अब नहीं आएगा जाएगा, साला मेरे बगल से तीन बार आया गया भाई, ना तो मार रहा था ना मर रहा था। अभी यार देखो हमको प्रतीत हो रहा है कुछ लौंडे हम पर रस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार देखो एक लौंडा तो इधर साला बाउंड्री पे आ गया भाई हमारे बगल में। अभी यार ये जगह हम चेंज करते हैं क्योंकि यार इस समय हम आत्मनिर्भर हैं। अगर हमको कोई मारेगा तो भाई साहब सीधा कैमरा उसके पास जाएगा। कैमरामैन दोगला है, मैं तो भाई इतने सीरियस में फायर भी नहीं किया था यार, मजाक में मार दिया गाइस, मजाक में मारा है। कोई बात नहीं, मजाक में थोड़ा सा माइनस भी हो गया है। खैर छोड़ो भाई साहब, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। और कल मैंने एक ज्ञान की बात बोलने को बोला था लड़कियों को इंप्रेस करने को लेकर, तो अभी तुम्हारा भाई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कल मैंने एक लड़की पर किया, उसने बोला माई प्लेजर, मैंने कहा अभी अगर मैं माई पल्सर बोलता हूँ तो ब्लॉक कर देगी, इसलिए तुम्हारे भाई ने बोल दिया माई आचा पाची। मैंने कहा पल्सर से ना कहो अपाची से सेट हो जाए। अभी मैसेज सीन नहीं कर पा रही, मेरे लगता है उसका इंटरनेट खत्म। खैर अनब्लॉक होते ही आगे का अपडेट देता रहूंगा, लाइन पर बने रहें।